नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जिप्सी भारत पे। तो एक नई सुबह, अगले दिन हम अपने रिजॉर्ट में जहां हम रुके हुए थे वहां से हम निकल पड़े और आज हम जा रहे हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी देखने, जिसको हम केवलादेव बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। इसमें हजारों संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। सुबह के 6:30 बज गए हैं और हम निकल पड़े हैं इन पक्षियों को देखने। यहाँ पे तकरीबन 230 प्रजातियों के पक्षियों ने भारत में राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया हुआ है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल और केंद्र बन गया है। तो ये हम अभी पहुंच गए हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य द्वार पर। तो जी, ये यहाँ का जो एंट्री काउंटर है और वेरियस जो तरह तरह के इसमें रेट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको। ये परमेश्वर का प्लांट है सर। अच्छा जी सर, टोटल है 29 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। 29 स्क्वायर किलोमीटर जी सर। 3 भागों में बांट गया, ग्रासलैंड, मार्शलैंड और ड्राई एरिया। लापर ड्राई एरिया, ये वाला ड्राई एरिया आवाज़ आ रही थी। बर्ड देखिए आपको सामने है, बीच इसकी। इसको 1971 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में गंभीर और बाणगंगा नदी बहती है। इस पक्षी विहार का निर्माण 250 वर्ष पहले किया गया था और इसका नाम केवलादेव जो शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था। आगे चल के हम आपको वो मंदिर भी अभी दिखाएंगे। यह मंदिर इस पक्षी विहार के भीतर ही स्थित है। वो देखो वाइल्ड एनिमल, देखो उधर ट्रैक के ऊपर जैकॉल, जैकॉल है ना, पूरी देखो जैकॉल, ये 3 जैकॉल बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं ये बंदर कितने खतरनाक बैठे हैं। यहाँ प्राकृतिक ढलान होने के कारण अक्सर बाढ़ का सामना करना पड़ता था। तो भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने यहाँ अजान बांध का निर्माण करवाया। ये बांध दो नदियाँ गंभीर और बाणगंगा, जैसे आपको मैंने बताया है, इनके संगम पे बनाया गया है। बफर जोन था ना पहले शुरू में। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हैं ग्रीन पिजन्स। Thank you.
और इसी तरह ये पेंटेड स्टॉक के नेस्ट के पास ही हमने जो है हल्का फुल्का नाश्ता किया। बारो सैंडविच लीजिए आप। तो ये हम अपने घर से बना के ले आए थे और यहाँ पे हमने चाय के साथ सैंडविचेस एंजॉय किए। ये देखो शर्म उड़ा रही, छोटी सी, छोटी प्यारी, छोटी सी है सर, चिड़िया शर्म उड़ा। इतना मेरे में अच्छा बैग जरूरी है, बैग उल्टे रख सकते हैं काफ़ी दिख रही है आप ऊपर ही रात में रखते हैं बताते हैं रात में दिखता है पक जाते हैं। यह उद्यान भरतपुर के महाराजाओं की पसंदीदा शिकारगाह रही है, जिसकी परंपरा 1840 से भी पहले से चली आ रही है। यहाँ पर ब्रिटिश वारसराय के सम्मान में पक्षियों का सालाना शिकार किया जाता था। 1938 में करीब 4273 पक्षियों का शिकार सिर्फ एक ही दिन में किया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल ललित गांव थे। तो जी एक प्राचीन मंदिर है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर। तो ये शिव का मंदिर है अंदर, और यहाँ का बताते हैं जी शिवलिंग जो है वो खुद ही बना हुआ है, नेचुरल है, कोई शिवलिंग स्थापित नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत प्राचीन खूबसूरत सा मंदिर।